देख आतिफ, एक बात कान खोल कर सुन ले, मैं हर हाल में आना से शादी करूँगा। अब मेरी जिंदगी एक ही सूरत में मुश्किल हो सकती है, तुम्हारे पीछे हटने की सूरत में। आई लव यू अनाया। अनाया, एक्सीडेंट के बारे में बताओ तफसील से। क्या हुआ, कहाँ हुआ? मैं जॉब के लिए अप्लाई कर रही हूँ, फिर बताती हूँ, सब बताती हूँ। आजकल के बच्चों के पास तो वक्त ही नहीं माँ बाप के लिए। अम्मा, अभी बता रही हूँ, सिर्फ 15 मिनट दे दे मुझे। अभी तुम्हारे पास वक्त नहीं है, फिर मेरे पास वक्त नहीं होगा। हेलो हेलो, मैं मुनीबा की हसीन तस्वीरें उसके बाप और भाई को भेजने वाला था। इस नियत से फोन उठाया तो सोचा पहले तुमसे बात करूं। ऐसा करने की जुर्रत मत करना, पुलिस तुम्हें इतने जूते मारेगी ना कि तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे आ जाएगा। पुलिस को आना होता तो अब तक आ चुकी होती। हाँ, मैं तुम्हारे हुस्न को सामने रखते हुए तुम्हें एक मौका जरूर दे सकता हूँ। मुझे अब मुनीबा नहीं चाहिए, अब तुम्हें ही अपनी दोस्त के लिए कुर्बानी देनी होगी। मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। जरूर तोड़ो, किस कमबख्त ने रोका है मुंह तोड़ने से। लेकिन उसके लिए मिलना पड़ेगा ना, तुम्हें आना पड़ेगा मेरे पास। तुम इंसान हो या जानवर, तुम्हारे अंदर कोई शर्म है? उस बेचारी पर रहम करो, उसकी जान छोड़ दो। उस पर रहम करने का इख्तियार अब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पास है, और बाकी रहेगी शर्म तो वो भी शायद तुम्हारे पास ही है। हमें तो बस अब इतना पता है, जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म। मैं दोबारा फोन करूंगा, सोच लो। देखो, हेलो हसन, हेलो, कैसी हो? सॉरी मैं लेट हो गया थोड़ा। इट्स ओके, तबीयत कैसी है? बेहतर है, काफ़ी अच्छा। बताओ क्या हुआ, सब खैरियत है ना? खैरियत है, उसका फ़ोन आया था, कह रहा था कि अगर मैं उससे मिलने ना गई तो मुनीबा के लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर देगा। मैं उसे जान से मार दूंगा। काम डाउन हसन, हमें होश से काम लेना होगा, मुनीबा की इज्जत का सवाल है। नंबर दोस्त का?
मैं तुम्हें सारी डिटेल्स देती हूँ, लेकिन पहले तुम ठंडे दिमाग से मेरी बात सुनो। वो मुनीबा को ब्लैकमेल कर रहा है, शहरियों पर गोलियां चला रहा है, तुम्हें धमकियां दे रहा है, कैसे दिमाग ठंडा रखूं मैं? क्या करें, मजबूरी है। वो मुनीबा की ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है। एक्चुअली मुझे तुम्हें इस मसले में घसीटना ही नहीं चाहिए था, तो मुझे समझ ही नहीं आई मैं किससे हेल्प मांगूं। फजूल बातें नहीं करो यार, मेरे होते हुए तुम्हें किसी से मदद मांगने की ज़रूरत नहीं है। क्या बात हुई मुनीबा से? मैंने मुनीबा को कुछ नहीं बताया, वो पहले ही बहुत डिप्रेस्ड है, अपनी गलतियों पर बहुत शर्मिंदा है। मुझे पता है कि सब उसका किया धरा है, लेकिन उसको इस हाल में अकेला भी तो नहीं छोड़ सकते। तुम फिक्र नहीं करो, मेरे एक जानने वाले हैं इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में, मैं उनसे बात करता हूँ, वो ज़रूर कोई हल निकाल लेंगे। थैंक यू असलम। चलो अपना मूड थोड़ा बेहतर करो, मुझे घर जल्दी जाना है। घर वालों को लगता है कि मैं अपने कमरे में सो रहा हूँ। क्यों इस हालत में आने देते हो? तुम्हें ड्रॉप करूँ? नहीं थैंक यू। ये कस्टमर सर्विस नहीं है, हर बात पर थैंक यू थैंक यू। चलो फिर बाय। बाय। बेटा ये दुनिया बहुत अजीब जगह है, एक लम्हे सब आपके साथ खड़े होते हैं और अगले ही लम्हे सब आपके खिलाफ। छोटी छोटी बातों को अना का मसला नहीं बनाना चाहिए बेटा, खुद को हर तरह की सूरत हाल के लिए तैयार करना चाहिए, समझी? मेराल क्या हो गया तुम्हें? मैं जिस मेराल को जानती थी ना, तुम वो रहे ही नहीं हो। फर्क भी तो वो नहीं रहा। सब ठीक तो है? फिलहाल तो ठीक है, लेकिन हमेशा ऐसा ही रहेगा इस बात की क्या गारंटी है? खैर गारंटी तो किसी बात की भी नहीं है। जब सब खत्म ही हो जाना है तो फिर क्या फायदा? ये कैसी अजीब बातें कर रही हो तुम? अनहोनी के खौफ से अब जीना तो नहीं छोड़ सकते ना? मेरा मुझे सच सच बता, चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? कुछ नहीं, तुम्हारी अंदाजे लगाने वाली आदत से मुझे सख्त नफरत है। अच्छा मुझे लगता है तुम्हें ना चेंज की जरूरत है, तो ऐसा करो शादी कर लो। मुझे मशवरा चाहिए वाना तो बता दूंगी, अभी इसे अपने पास संभाल के रखो। हेलो, अंदर आ जाओ। हसन का दोस्त आ रहा है, उसके सामने कोई फालतू बात मत करना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हो? मैं ठीक, आप सुने? बिल्कुल ठीक। नाराज हूं बस तुमसे, बैठो। नाराज क्यों? तुम्हारी बड़ी बहन होने के नाते मैंने तुम्हें एक काम कहा था, पर तुम वो भी नहीं कर पाए। मैं क्या करूं, जब से यूनिवर्सिटी खत्म हुई है हसन मेरा फोन तक नहीं उठा रहा। मुझे तो लगता है कि उसे शक हो गया कि मैं आपसे रابطے में हूं। अरे हसन, आराम से। क्या हो गया भाई? कुछ नहीं यार, छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। तू क्या कर रहे हैं? मैं दरअसल वो तुझे काफी दिनों से कॉल्स कर रहा हूं, तू मेरी कॉल का जवाब ही नहीं दे रहा। मैं तो परेशान हो गया था अपने भाई के लिए, सोचा घर आके तेरा हाल पूछ लूं। तुम डैड को बगैर बताए चले गए थे ना, गुस्सा हो रहे थे बहुत। अब जाओ जाके उनकी डांट खाओ। तू बैठना आता हूँ। हाँ ठीक।
बहुत बुरा हुआ, लेकिन तुम्हें वहां अकेले नहीं जाना चाहिए था। मैंने आपको सारी सिचुएशन बताई है, उस सिचुएशन में मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं था। चलो कोई बात नहीं, फिक्र नहीं करो, एक काम करो, मुझे एक एप्लीकेशन लिख कर दो, मैं अपने सीनियर से बात करता हूँ और कुछ ना कुछ करते हैं, बच नहीं पाएगा वो। शुक्रिया सर, मैं लेकिन एहतियात किया करो यार थोड़ी। सी यू। निकल रहे हैं आप? हाँ मैं अभी चलता हूँ। छोड़ दूँ आपको? नहीं नहीं, ओके ओके, मैं चलता हूँ। थैंक यू। जी यही है। क्या हुआ भाई? तस्वीरें कहाँ? कौन सी तस्वीरें? डेटा कहाँ है? कौन सा डेटा? डेटा कहाँ है? मेरे पास कोई डेटा नहीं है। क्या हो गया भाई, किसको क्यों मार रहे हो? मेरे पास कोई डेटा नहीं है, मैं सच्ची बता रहा हूँ, मेरे पास कोई डेटा नहीं है। नहीं है मेरे पास कोई डेटा नहीं है। अंदर जाओ, जाकर लैपटॉप मोबाइल जो मिले उठा लो। अंदर अंदर लैपटॉप पड़े, गोली नहीं चलाना, गोली नहीं चलाना, अंदर अंदर पड़े। कोई डाटा नहीं है, कोई डाटा नहीं, कहां से निकला ये? आप लोग जाओ, मैं इसको कुछ करता हूं। नहीं होगा, जाओ ये हो क्या रहा है इधर? मेरे डॉक्यूमेंट्स मेरे ऑफिस में महफूज नहीं है? कहां गई वो फाइल? फिरोज, मुझे वो फाइल चाहिए। अगर मुझे ना मिली तो तुम अपनी कब्र अपने हाथों से खोद लेना। सर, सर मैं आपको कैसे बताऊं, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, ये जरूर किसी की साजिश है। बैकअप तो होगा ना आपके पास? मैडम फाइल के अलावा कंप्यूटर में पड़ा सारा बैकअप सब गायब है। आई एम टेलिंग यू, इसमें जरूर किसी की प्लानिंग शामिल है। तो आपके कहने का मतलब है कि अब हमारे पास कोई सबूत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। मुबारक हो मुझे। मैं ईगल कंस्ट्रक्शंस का रीजनल मैनेजर बन गया हूं। तेरी इतनी जरूरत? नमक हराम? नमक हरामों का ही जमाना है सर, नमक हलालों का हाल आपके सामने। एक बात याद रखना, बड़ी कुर्सियां हिलती तो हैं, लेकिन जब पलट कर गिरती है ना तो इंसान का मजाक बन के रह जाता है। ध्यान से सेठ साहब, आप भी बड़ी कुर्सी पे बैठे हैं। चलता हूं, अल्लाह हाफिज। शेख, अंदर किसने आने दिया? शाहजहां भाई की बात सुनी? कौन सी बात? यही कि हम शादी कब कर रहे हैं। हाँ वैसे आई कैन अंडरस्टैंड, आसान थोड़ी होता है, इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला होता है। शाहजहां भाई तो ऐसे ही बस। हसन,
तुम जब चाहो शादी कर लो। क्या कर रही है? तुम जीते रहो, खुश रहो, क्यों इतना लाडा रहा? मुझे दाल गिर जाएगी। क्या हो गया तुझे? किस बात की इतनी खुशियां मना रही है तू? अपनी अम्मी के पास होने की खुशियां मना रही हूँ। अरे मना ले बेटा, प्योरी अम्मी कुछ दिन तो तू मेरे पास है, फिर तुझे कोई चुरा के ले जाएगा। मना ले खुशियां। मुझे भी ऐसा ही कुछ लगता है। क्या कहा तुमने? इधर देख, मैं इधर देख, मुझे क्या चल रहा है? अम्मी वो मेरा एक क्लास फेलो है, हसन। बड़ी छुपी रुस्तम निकली तो मुझे तुझसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। वैसे अम्मी यार पूरी बात तो सुन मेरी, बता बता सुन, इधर 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 अपनी शक्ल तो देखो। अच्छा आप लोग मेरी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा हैं, मुझे आप सबकी मदद चाहिए। मेरी जिंदगी के सबसे अहम फैसले में मैं चाहता हूं कि आप सब मेरा साथ दें। मैं चाहता हूं आप लोग अनाया के घर जाएं और मेरे लिए उसका हाथ मांगे। ये तुम्हारी ख्वाहिश तो हो सकती है मगर हकीकत कभी नहीं। अच्छा तो तुम चाहते हो कि हम एक ऐसी लड़की के घर रिश्ते की भीख मांगने जाएं जिसे हम जानते तक नहीं? यही तो प्रॉब्लम है, आप उसे जाने बिना ही उसे नफरत करने लगे। अच्छी तरह जानती हूँ उसे, सोशल क्लाइमर है, बगैर कुछ के अरबपति बनना चाहती है वो। ऐसा नहीं है मेराल, जिस दिन तुम उसे जान जाओगी तुम्हें मेरी पसंद पे फख्र होगा। Yeah, right, फख्र, my foot. ठीक है, हमेशा मैंने तुम्हारे फैसले माने, आज तुम मान लो। मतलब क्या है तुम्हारा कि अगर हम ना भी कर देंगे तो भी तुम उस लड़की से शादी करोगे? हमारा मजहब और मुल्क का कानून दोनों इसकी इजाजत देता है मुझे। आप लोग फैसला कर लें, आप लोग मेरा साथ देंगे या नहीं। और फैसला करते हुए एक बात जहन में रखिएगा, फैसला जो भी हो शादी में अनाया से ही करूंगा। हसन मेरी बात सुनो, तुमसे बड़ा बेवकूफ इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। ये क्या समझता है खुद को? हाँ बच्चा है ये, मुझे कहती है ना बच्चा है, प्यार से बात करो, समझाओ उसे। क्या समझाओ उसे? कि अपने बच्चे को घर बर्बाद करने पे तुला है वो, रोकिए उसे। तो बात करने का कोई फायदा नहीं। डैड सुना आपने क्या कहा उसने, क्या करने जा रहा है वो, रोकिए उसे। हमें अनाया के घर जाना पड़ेगा। ये बात आप कह रहे हैं? उस लड़की के घर? बेटा
बात समझो, वो वैसे ही बागी हो चुका है। अगर इस फैसले में हम उसके साथ ना खड़े हुए तो मैं अपना बेटा और तुम अपना भाई खो दोगे। अपना भाई मैंने उसी दिन खो दिया था जिस दिन उस लड़की के इश्क में पड़ा था। मैंने उसकी आंखें पढ़ी हैं, वो नहीं रुकेगा, हमें उसके साथ चलना पड़ेगा। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप इतने कमजोर निकलेंगे। से कोई नहीं हरा सकता, उसे औलाद हरा देती है। फरीद साहब, अस्सलाम वालेकुम। जशीब भाई, आइए प्लीज आइए। तुम किसी किराए के कातिल को जानते हो? मैं क्यों किसी कातिल को जानता हूं? बाय द वे, तुम क्यों पूछ रही? कत्ल करवाना है किसी का। मीरा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? गांव से आए हुए लोग पैसों के लिए कुछ भी कर लेते हैं, तो मुझे कोई कातिल ढूंढ के दो जल्दी से। मीरा, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। तुम्हारा लेक्चर नहीं सुनना मुझे, तो प्लीज अपना मुंह बंद रखो। तुम्हें मैंने कातिल ढूंढने के लिए कहा है, कातिल ढूंढो वरना अनाया का कत्ल मैं अपने हाथों से करूंगी। आराम से तशरीफ रखिए फरीद साहब, अपना ही घर समझे इसे। मेरा घर ऐसा नहीं है। इनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। क्या हुआ भाई साहब की तबीयत को? होना क्या था, औलाद के हाथों हारा हूं, हवास खो बैठा हूं। अनाया बेटी कहाँ है?
उसको बुलाए ना। जी चाय बना रही है, बुलाती हूँ। अनाया आओ बेटा, ले आओ चाय। सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। जीती रहो बेटा। सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह कितनी प्यारी बेटी, नज़र से बचाए अल्लाह। अंकल आप चाय में चीनी कितनी लेंगे? मैं चाय नहीं पीता। ओ आप आंटी आप एक चम्मच डाल दो बेटा। थैंक यू। शुक्रिया बेटी। बाबा अच्छा तो अब बच्चों ने आपस में खिचड़ी पका ली है तो हम भी अपना फर्ज निभा दें। क्या कहना चाह रहे हैं आप फरीद साहब? कहने को बचा ही क्या है, अब तो करने का वक्त है। मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है जैसे आप लोग किसी मजबूरी के तहत तशरीफ लाए? औलाद से बड़ी क्या मजबूरी हो सकती है? देखिए सीधा साधा सा आदमी हूं मैं, आप जो कहना चाहते हैं वो साफ साफ कहिए। साफ बात तो ये है कि अनाया हमारे बेटे की पसंद है, हमारी नहीं। हमारी आपकी क्या बराबरी, बाहर जाके देख लीजिए। आपके मोहल्ले के बच्चे हमारी गाड़ी के साथ तस्वीरें बनवा रहे होंगे और आपकी बेटी को भी शायद हमारी गाड़ी कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई है। बात ये है फरीद साहब, मेरी बेटी को ना गाड़ियों की आदत है और ना गाड़ियों की जरूरत है। मुतवस्सित तबके से ताल्लुक है हमारा, कर्जे लेकर हमने अपनी बेटी को तालीम दिलवाई है और इस बात पर हमें कोई शर्मिंदगी नहीं है, फखर है फरीद साहब। आपकी मर्जी है जैसे महसूस करें। बहरहाल अगर मुझे अपनी औलाद की बुनियादी जरूरियात पूरी करने के लिए कर्जे लेने पड़ते तो मैं बहुत शर्मिंदा होता। मेरी बेटी किसी ठेले पे रखा हुआ फल नहीं है जिसे आप पहले तोले और फिर कीमत लगाएं। अपने घर वालों को पालने के लिए एक रुपया हराम नहीं कमाया मैंने, रुपए पैसे से कहीं ज्यादा तवज्जो अपनी बेटी की तरबियत पे दी है हमने। तरबियत भी कहां हो पाई आपसे? बस बस कीजिए फरीद साहब, निकल जाइए मेरे घर से। निकल जाइए इसी वक्त। बहुत मशकूर हूं आपका। पता नहीं इन्हें क्या हो जाता है, दिल के बुरे नहीं है, माफ कर दीजिए।
हमें बद्दुआ ना दीजिएगा। बेटी वालों की खुदा बहुत गौर से सुनता है, हमारे घर पे रहम कर। मैं भी हार नहीं मानूंगी। मेरा नाम विराल है। कैसे हो बेटा? विराल, मेरा बेटा अभी तक नाराज है। अब आप इस नाराजगी की आदत डाल लें, क्योंकि मैं हमेशा नाराज रहूंगी आपसे। और अगर मैं ये कहूं कि अनाया के माँ बाप ने इनकार कर दिया है तो? क्या आप सच कह रहे? हाँ, मैं अपनी बेटी को नाराज थोड़ी कर सकता था, मगर डैड आपने सब किया कैसे? बेटा यही बात तो मैं तुम्हें समझाता हूँ। जरूरी नहीं है कि हर काम इंसान खुद करे। बाज़ औक़ात सिर्फ हालात पैदा करने होते, काम हो जाते। खुदा का वास्ता, अपने बच्चों पर रहम करें। ये क्या कर रहे हैं आप? मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। दिमाग हसन का खराब हुआ है, मेरा नहीं। और हाँ, अपनी जुबान बंद रखना उसके सामने, वरना अच्छा नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हुआ? उनकी इतनी औकात नहीं थी कि हमारे साथ बैठ सके, लेकिन तुम्हारी वजह से हम वहां गए। क्या हुआ मामा? उससे क्या पूछ रहे हो? मैं बताता हूं। अनाया के बाप ने इनकार कर दिया, इससे पहले कि हमारी बात मुकम्मल होती हमें घर से निकाल दिया।
शादी तो उसे इससे ही करनी है, बस वो लोग अपने दाम बढ़ा रहे हैं। मम्मा डैड सच कह रहे हैं?